तो वेलकम है दोस्तों। चलिए, आज वैसे वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था, बट बना रहा हूँ यार, क्योंकि सोचा अगर नहीं बनाऊंगा ना तो फिर बाद में बहुत सारा कंटेंट हो जाएगा और फिर मुझे प्रॉब्लम, मतलब समझ रहे ना, बहुत ज्यादा काम हो जाएगा तो फिर आदमी टेंशन में पड़ जाता है। इसलिए सोचा कि चलिए कंप्लीट कर देते हैं आज इसको। तो आज हम लोग बात करेंगे एसे का भाग टू, ठीक है। ह्यूमन राइट्स जो आपका पेपर है, एमडीसी पेपर 3F, ह्यूमन राइट्स यानी कि मानवाधिकार, इसका हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव कर लिया है और सेकंड भाग में हम लोग करने वाले हैं इसके सब्जेक्टिव के क्वेश्चंस, ठीक है। तो सब्जेक्टिव फॉर्म में जितने भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को आज हम लोग निपटा देंगे। हालांकि आज संडे है, आज मूवी देखूंगा, ठीक है। संडे के दिन में रिलैक्स भी देना चाहिए, काम तो मैं करता ही हूँ लेकिन संडे के दिन में आराम करूंगा, ठीक है। चलिए मूवी देखूंगा आराम से, लेकिन इससे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बनेंगे उसको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, प्रोफेसर गैस पेपर खरीद लीजिएगा, आ गया मार्केट में, ठीक है, जो जो नए खरीदे हैं। और इसमें देखते हैं तो हमारा जो एमडीसी पेपर है, ह्यूमन राइट्स मानवाधिकार, इसमें आपका शॉर्ट आंसर टाइप के सबसे पहले तो 1 मार्क्स वाले 5 आएंगे, ठीक है, और 1 मार्क्स वाले 5 और 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन आएंगे जो कि शॉर्ट आंसर टाइप के होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ 5 मार्क्स वाले हैं, उसके बाद आपको 15 मार्क्स वाले देखेंगे, 15 मार्क्स वाले। तो देखिए यहाँ पे आपका 5 मार्क्स वाले में पहला आता है, मानव अधिकार का अर्थ और महत्व क्या है ये बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसको मैं बता दूंगा, आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार किसे कहते हैं ये भी हो सकता है, ठीक है, मानवाधिकार की परिभाषा लिखने बोल सकता है या फिर अर्थ, ठीक है, और उनका महत्व, ये आपका 5 मार्क्स क्वेश्चन है। अगला है हमारा यहाँ पे, ए यार एक ही पेज को मैंने 2 बार रिपीट कर दिया, हाँ कोई बात नहीं। नेक्स्ट है आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारों का दायरा और महत्व बताइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट, महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अगला है बाल अधिकार कन्वेंशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, नोट डाउन कीजिएगा कि व्हाट इज द कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। बाकी नॉलेज के लिए आपको सब पढ़ना है और जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उसे विशेष रूप से पढ़ना भी और लिखना भी है, ठीक है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा आज क्यों महत्वपूर्ण है, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ पे ये बनेगा कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का वर्णन करें, ठीक है, तो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा। नेक्स्ट आपका भारत में मानव अधिकार और मौलिक अधिकार क्या है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ सकते हैं, पढ़ना तो सब पड़ेगा। अगला है मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्यों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कैसा संबंधित है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है आपका भारत में मानव अधिकारों की रक्षा में न्यायपालिका की भूमिका की व्याख्या करें, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला है मानव अधिकार और मौलिक अधिकार भारत में समानता कैसे सुनिश्चित करती है, इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों के महत्व पर चर्चा करें, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकारों की चर्चा करें, नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है मौलिक अधिकार भारत में शोषण से कैसे सुरक्षा प्रदान करता है, इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत में मानव अधिकारों की सुरक्षा में मीडिया की क्या भूमिका है, पढ़ सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है लेकिन VVI नहीं है। अगला है भारत में अल्पसंख्यक आयोग की भूमिका और कार्यों की व्याख्या करें, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है भारत में महिला आयोग का अधिदेश क्या है, ये क्वेश्चन सही रूप से सेट नहीं हुआ है। भारत में महिला आयोग के कार्यों और गठन का व्याख्या करें, यह क्वेश्चन होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, बाकी पढ़ लीजिएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। अगला है भारत में अल्पसंख्यकों पर भेदभाव का क्या प्रभाव है, इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत में बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी से संबंधित मानव अधिकार की चिंताएं क्या है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये हो गया 5 मार्क्स वाले जो इंपॉर्टेंट बने थे, अब 15 मार्क्स वालों को मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तो 15 मार्क्स वाले ध्यान दीजिएगा और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर आपको करना है एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड, ठीक है, एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड, बोथ साइड ऑफ 1 पेज। नेक्स्ट देख लेते हैं,
15 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग कोशिश कीजिएगा तीन खड़ा पन्ना का दोनों साइड, और लिखने की स्पीड अगर आपका धीमा है तो दो खड़ा पन्ना का एटलीस्ट करना ही है, कम से कम दो खड़ा पन्ना, ठीक है। और अगर गड़दा उड़ा की स्पीड लिखते हैं तो फिर तीन खड़ा पन्ना। क्वेश्चन है हमारा पहला, मानव अधिकारों के संदर्भ में गरिमा, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और विविधता में एकता के मूल्यों की चर्चा करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अगला है, मानव अधिकारों के अध्ययन का अर्थ, विशेषता एवं दायरा क्या है, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग, फीचर्स, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। यहाँ पे मीनिंग नेचर होना चाहिए यार, फीचर्स के जगह पे नेचर वर्ड्स का यूज होता तो ज्यादा अच्छा रहता। चलिए, हालांकि कौन सा हमें इंग्लिश का मास्टर बनना है। अगला है, प्रथम पीढ़ी के मानव अधिकारों, ठीक है, नागरिक और राजनीतिक अधिकार और लोकतांत्रिक समाज में उनके महत्व की व्याख्या करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी और चौथी पीढ़ी, चारों पीढ़ी को आपको पढ़ना है, ठीक है। तीसरी पीढ़ी को भी पढ़ना है और चौथी पीढ़ी को भी करना है। पीढ़ी वाला जितना भी क्वेश्चन है वो सभी इंपॉर्टेंट है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के महत्व और वैश्विक स्तर पर मानव अधिकारों को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका की व्याख्या करें, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मानव अधिकारों के रूप में सूचना के अधिकार तथा लोकतांत्रिक समाज में इसके महत्व की चर्चा करें, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे है, नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा के प्रमुख प्रावधान और मानव अधिकारों के संरक्षण में उनके प्रभाव का विश्लेषण करें, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ उसको आपको पढ़ना भी है और लिखना भी है, और जो इंपॉर्टेंट नहीं बोल रहा हूँ उसको केवल पढ़ना है, ठीक है। बाकी लिख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगला है, महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन, ठीक है, और ये कंसर्न है CEDAW 1868 के उद्देश्य के प्रमुख प्रावधानों को लिखे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, बाल अधिकार अभिसमय, ठीक है, CRC चाइल्ड राइट्स, क्या है यार बोल रहा हूँ फुल फॉर्म, 1878 के मुख्य उद्देश्य और प्रावधानों के बच्चों के अधिकार की रक्षा के महत्व का वर्णन करें, इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। इतना डीप यार, इतना डीप कहाँ पूछा जाएगा मालूम है, LLB में पूछा जाएगा। मैंने आपको बताया था कि यही सेम ह्यूमन राइट्स का जो टॉपिक है LLB में रखा गया है। LLB का मतलब जानते हैं ना, जो वकील का पढ़ाई होता है, ठीक है, बैचलर इन लॉ। देख लेते हैं, तो अगला है आपका, भारत में संवैधानिक अधिकारों के संदर्भ में मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों के बीच परस्पर संबंध पर चर्चा करें, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। देखिए, मैं किसे इंपॉर्टेंट बोलता हूँ और किसे इंपॉर्टेंट नहीं बोलता मालूम है, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है उसको मैं इंपॉर्टेंट बोलता हूँ और जो सिलेबस से टच करता है, ठीक है। भारत में मानव अधिकारों को बढ़ावा देने में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की भूमिका की व्याख्या करें, पढ़ सकते हैं, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। भारत में मानवाधिकारों की सुरक्षा में न्यायपालिका की भूमिका के विश्लेषण करें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देख लेते हैं, तो अगला है हमारा, चुनौतियों और अवसरों के विशिष्ट संदर्भ के साथ भारत में मानवाधिकार पर वैश्वीकरण के प्रभाव का मूल्यांकन करें, इंपोर्टेंट नहीं रखता है, वैश्वीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन। अगला है, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना एवं कार्यों की व्याख्या करें, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला है, झारखंड राज्य मानवाधिकार आयोग की संरचना और कार्यों का वर्णन करें। हाँ देखिए, या तो एग्जाम में ये झारखंड वाला आएगा या फिर ये सेंट्रल वाला आएगा, दो में से एक ही आएगा, ठीक है, और डेफिनेटली आएगा कोई एक, या तो झारखंड पूछे या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब मानवाधिकार कैसे बनाए संरचना, ये पूछा जाएगा, और दोनों का 90% सेम है, बस आपका भारत में पूरा सब स्टेट आएगा और झारखंड में केवल एक स्टेट है, ठीक है। अगला है, भारत में मानव अधिकारों को बढ़ावा देने में गैर सरकारी संगठन की भूमिका की चर्चा करें, जो NGO वगैरह होते हैं हेल्प करते हैं, पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है, भारत में मानव अधिकार और मीडिया के बीच के संबंध की व्याख्या करें, यह भी इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो अगला हमारा है, भारत में महिला आयोग और अल्पसंख्यक आयोग की भूमिका पर चर्चा करें, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और 5 मार्क्स का पूछा जा सकता है, ठीक है।
नेक्स्ट है भारत में मानवाधिकारों की संरचना। मानवाधिकारों के संरचना पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रभाव की चर्चा करें। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस और कितना है, और ज्यादा नहीं है। भारत में मानवाधिकार के बदलते आयामों का वर्णन करें। देश में मानवाधिकार के संवर्धन में बाधा डालने वाली प्रमुख चुनौतियां क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, समय के साथ मानवाधिकारों के आयाम किस प्रकार बदल रहे हैं तथा भारत में मानवाधिकार को बढ़ावा देने के मुख्य चुनौतियां क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अगला है, मानवाधिकार और आतंकवाद के बीच जटिल संबंधों की व्याख्या करें। राष्ट्रीय व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के साथ सुरक्षा चिंताओं को कैसे संतुलित कर सकते हैं। देखिए, ये आपका लाल सरामों के टाइप से क्वेश्चन हो गया। लाल सराम मतलब समझते हैं, लाल सराम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, जिसको हम लोग MCC माओवादी के नाम से जानते हैं, ठीक है। जब अधिकार नहीं मिलता है तो आदमी बंदूक उठाता है, ठीक है, और फिर समझ आया ना। तो बस अगर सही मांगने से अधिकार ना मिले तो अधिकार छीन लो, वही है लाल सलाम। चलिए, मानवाधिकार स्वास्थ्य पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बीच संबंध, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब कुछ खास नहीं बचता है। भारत में बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इन समस्याओं के मूल कारण क्या है और इसके प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कौन कौन सी रणनीति, यानी कि कौन कौन से हमें नए बदलाव लाने होंगे, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहीं तक था। वैश्वीकरण में भारत में मानवाधिकार, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, और फिर आपका नहीं बचता है, बस इतना ही है। जितना मैंने इंपॉर्टेंट बोल दिया उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और पढ़ने के बाद आपको खुद से अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। बाकी मैं सब कुछ अपलोड कर ही दे रहा हूँ, मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और जो लोग गैस पेपर नहीं खरीदे हैं, खरीद लीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन में पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन हमेशा ऑनलाइन के भरोसे नहीं रहिएगा, ठीक है। ऑफलाइन पढ़िए, जब आपके पास बुक ना हो उस टाइम पे ऑनलाइन का यूज सहारा लीजिए, ठीक है ना। ऑनलाइन का सहारा कब लेना है, जब आपके पास बुक नहीं है, कहीं पे जा रहे हैं या फिर कहीं पे घूम रहे हैं, ठीक है, या फिर वॉकिंग कर रहे हैं, उस टाइम पे आप देख लीजिए ऑनलाइन, ठीक है, बुक वगैरह भी पढ़ा कीजिए। चलिए, थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगला जैसे ही होगा धीरे धीरे मैं सब कुछ अपलोड कर दूंगा, ठीक है, बाय। कहाँ गया जी बटमुआ शॉर्टकट की, ये मैं